जहाँ पर प्रशांत चौधरी और स्वाति दीक्षित के द्वारा मिस एंड मिसेस टिस्का इंडिया सीजन 2 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 5 दिन का फैशन शो चलेगा। प्रशांत चौधरी और स्वाति दीक्षित के द्वारा सीजन 1 भी बड़े धूमधाम से किया गया था, लेकिन इस बार कोविड पैंडमिक के बाद जो फैशन शो होने जा रहा है बहुत ही ज़्यादा अलग देखने को मिलेगा। लगभग 100 तक मॉडल इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं और हमेशा से इनका उद्देश्य रहा है वुमेन्स को आगे बढ़ाना, वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करना। आइए दिखाते हैं किस तरह का शो रहेगा 5 दिन और ग्रैंड फिनाले में क्या होगा। खास सीजन 1 जो था वो पैंडेमिक से पहले का था और सीज़न 2 जो है वो पैंडेमिक के बाद वाला, तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। जो चीज़ हम पहले फिज़िकल ऑडिशन के साथ करते थे और जो चीज़ हम बहुत फ्री मोमेंट के साथ करते थे, अब चीज़ें बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं और चीज़ों को बहुत कंट्रोल करके कुछ पैरामीटर्स के अंदर ले लिया है। हमारे को सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्वतंत्रता समझते हैं आप क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे को कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ता है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, सबको मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजिंग हो गई है और अपनी सेफ्टी खुद को देखनी है। सो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और यही हम चाहते हैं कि डिफरेंस लोगों को दिखे। कितने मॉडल लगभग 100 मॉडल, क्या लगता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे 100 मॉडल को एक साथ मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़े हुनर की बात है? देखिए हुनर भी और चैलेंज भी है, बट सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉम्पिटिशन है वो किसी का किसी के साथ नहीं है। सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन टिस्का के अंदर जो है वो हर टिस्का कंटेस्टेंट का उसके खुद के साथ कॉम्पिटिशन है। सो कंटेस्टेंट बहुत कॉम्पिटेटिव है, कंटेस्टेंट बहुत तैयारी करी हुई है, अब सिर्फ वी आर विशिंग की चीज़ें जो हों वो बहुत अच्छी हैं। टिस्का का हमेशा से रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना, हमेशा से वुमेन को आप आगे लेके आते हैं, हाउस वाइफ को मौका देते हैं, वह हाउस वाइफ देखने को मिलेगी या ओनली टीनेज मॉडल्स की कैटेगरी? देखिए हमारे पास टिस्का के अंदर दो कैटेगरीज हैं, एक मिस कैटेगरी और मिसेस कैटेगरी है। दोनों कैटेगरीज को हम लोगों ने कोशिश करी है कि दोनों कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने उस हर एक टैलेंट हिडन टैलेंट को निकालने की कोशिश करी है जो रह जाती है अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए देश के अंदर। हम सिर्फ मेट्रोपोलिटन सिटीज़ को टारगेट नहीं करते हैं, हमारा मेन जो मोटो होता है वो होता है 2 tier सिटीज़ और 3 tier सिटीज़, जिसमें हमने कुछ स्पेशल कैटेगरीज भी रखी हुई जो कि ट्राइबल कैटेगरीज हैं या हमारा जो अनछुआ पार्ट है जिसे नॉर्थ ईस्ट की जो खूबसूरती कहते हैं वो हमने टच किया। और वही बात जिसे आप पूछ रहे हैं हाउस होम मेकर से हाउस वाइफ की, हमारे पास मिसेस कैटेगरी के अंदर सभी कैटेगरी हैं, सिर्फ हाउस वाइफ नहीं है, हाउस वाइफ भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, बिजनेस वुमेंस भी हैं, वर्किंग लेडीज भी हैं, हर तरह की कैटेगरी हमारे मिसेस इंडिया के अंदर। इस समय कहाँ कहाँ से कौन कौन से शहर से आपके पास जो ये आए हैं? सर ये लगभग जो 100 कंटेस्टेंट्स हैं ये देश और विदेश दोनों से आए हैं और लगभग हमारे पास 11 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो एनआरआई हैं, इंडियन एनआरआई हैं, जो विदेश से भी आए हैं। सपोर्टर्स सीजन सर, सपोर्टर्स आप लोग हैं और मेरे कुछ प्रोमिनेंट ब्रांड हैं जिसके अंदर आप देख सकते हो हमारा बरजानी है, हमारा शुक्र है, एक्सट्रोक है, डिजिटल हब है, स्टाइलिश इंडिया है, ग्लैम लुक हमारे साथ है, फॉर एवर इंडिया हमारे साथ है, डाइट फिट हमारे साथ है, हमारे साथ नया ब्रांड जुड़ा अंजलि सानी भाई सामा भाई अंजलि सानी जो हमारी ऑफिशियल डिज़ाइनर है इस पैटर्न की, और हमारे साथ दूसरे हमारे डिज़ाइनर जो है वो किंचू बहादुरी है, हम आपका भाई किंचू बहादुरी जो है ये शो चलेगा 5 दिन। मैम इस बार फैशन शो में क्या देखने को मिलेगा टिस्का सीजन 2 में जो टिस्का 1 में देखने को नहीं मिला? टिस्का सीजन 2 में अभी तो पहली बात जो कैंडिडेट हैं हमारे उनके नंबर्स काफ़ी बढ़ गए हैं क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट आ चुके हैं और उनकी तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, वही जो फिनाले हैं ना आने वाले टाइम पे वो दिमाना है और उनकी जो ग्रूमिंग सेशंस हैं वो स्टार्ट होंगे, वो सारी चीज़ें होती रहेंगी। क्या लगता है मैम इस बार की प्रशांत जी ने बताया जो आपके साथ ऑर्गेनाइजर है कि 100 से ज़्यादा इस बार मॉडल और कोविड पेंडेमिक के बाद कितने बड़ा शो करना अपने आप में बहुत बड़ी सराहनीय की बात? इसमें हमने गाइडलाइंस को फॉलो करा हुआ है क्योंकि सबके सबके वैक्सीनेशन हो चुके हैं, सब सारे डबल डोज कर चुके हैं, सबकी वैक्सीनेशन कंप्लीटेड है, प्लस में अगर कोई कोई बच्चा है अगर उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीटेड नहीं है तो उसकी कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए,
सारी फाइलिंग हो रखी है और इवन पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करा जा रहा है। आप यहाँ पे हो, आप देख भी रहे होंगे कि जो भी बच्चे आए हुए हैं कोई मास्क नहीं उतार रहा है प्रॉपरली, सारी चीज़ें। ये जो आपने कंटेस्टेंट सर्च कहाँ से किए, किस तरीके से सर्च करती हैं कंटेस्टेंट को? कंटेस्टेंट सर्च नहीं होते हैं, इनके ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशन से क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद फिर फाइनलिस्ट निकल के आते हैं। क्योंकि कोई मिजोरम से है, कोई कर्नाटका से है, कोई हमारा मणिपुर से है, कोई बाहर से है, कोई इंडिया से भी बाहर से कैंडिडेट्स हैं, तो ये सारे आए। ग्रैंड फिनाले में क्या देखने को मिलेगा मैम, जो कि संडे को है? ग्रैंड फिनाले में आप देखोगे कि हमारे कंटेस्टेंट कितने सुंदर सुंदर देखने को मिलेंगे आपको, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, ग्रूम हो चुके होंगे, क्योंकि जो 3-4 दिन इनको टाइम मिलेगा ना, ये सब इनके ग्रूमिंग का टाइम है। अभी जब आप देखोगे और जब आप फिनाले पे देखोगे, बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। बहुत टाइम से ही शो प्लान हो रहा था लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया, लेकिन शो अब फाइनली हो रहा है गवर्नमेंट की परमिशन में, ये आपको कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिन से लटका हुआ था ये, नहीं हो पा रही थी चीज़ें, क्योंकि लास्ट ईयर दिसंबर में होने वाला था, बट कोविड का कुछ हाइकअप हो गया जिसकी वजह से नहीं हो पाई चीज़ें। अब जो है वैक्सीनेशन भी आ चुका है, तो इस वजह से हम अब कर रहे हैं। विनर को क्या देंगे? विनर हमारा इंटरनेशनल जाएगा, इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिसमें वो जाते हैं। क्या लगता है मैम, ग्रैंड फिनाले में मेन सेलिब्रिटी अभी कोई आप बता पाए? अदिति है, रीना अदिति गोविंदकर है, डॉक्टर अदिति गोविंदकर हैं, और रीना ढाका है, सचिन खुराना है, और वापस मेहता है, ठीक है ना, और भी काफ़ी लोग हैं जो इसमें परफॉर्म करेंगे। करीब 8 से 10 जूरी होंगे, जो भी जूरी है वो सब अपने प्रोफाइल में अपनी फील्ड में बहुत स्मार्ट है, बहुत एक्सपीरियंस। शुभम दिस साइड फ्रॉम ग्लैम रॉक्स हियर, वी आर वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मिस एंड मिसेस इंडिया डिस्का सीजन 2. And congratulations to all the participants and contestants. We hope this is going to be a rocking season and good. A lot of efforts have been put by Mr. Prashant and Mrs. Swati for the same. We are actually glad to be part of TISCA Miss and Mrs. India 2021. Now let's just see how the contest goes, and many, many congratulations and good luck to all the contestants. Hi, my name is Manu Pirtha. I am an actor and a model, and also an anchor, MC and a host by profession. Over here today, I am present to groom the contestants for posing, for walks, for their dance shows and everything. And I have been associated with Prashant sir and Swati ma'am for a while now. And this event, TISCA Miss and Mrs. India 2021, is an excellent platform for people to come and, you know, hone their skills, try and learn new things that they can project. And then eventually, you know, they come to shine, and then I think this is an excellent platform to come over here and find out who you actually are. Hi, good afternoon everyone. My name is Sunaiti Kutubia. I'm from Jammu and I'm a doctor by profession. I have my MBBS in China and now I'm pursuing my PhD at GMC Jammu. So I really thank TISCA team, especially Prashant sir and ma'am, जिन्होंने हमें मौका दिया और इस प्लेटफॉर्म में आके हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, इसी माध्यम से हम लोग बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकते हैं। एंड एज आई एम इनटू डूइंग एनजीओ एंड आल्सो हेल्पिंग पीपल, क्योंकि मैं डॉक्टर प्रोफेशन से, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मीडिया, इसके मीडियम के थ्रू अगर मैं क्राउन विन करती हूँ तो मैं बहुत कुछ हेल्प कर सकती हूँ। हाय, माय नेम इज श्रुति शॉ एंड आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता एंड आई करंटली रेसिड इन दुबई एज एन एंटरप्रेन्योर एंड प्रेजेंटली आई एम एन एक्ट्रेस इन इंडिया. And I would like to thank Swati ma'am and Prashant sir for the wonderful opportunity to showcase our talent and the kind of atmosphere we are having here. It's absolutely amazing. It's one of the best experiences till now, and looking forward to be associated with TISCA.